दोस्तों क्या हुआ, जब नरेंद्र मोदी के काफिले को एक ऑफिसर ने रोक दिया और इतना ही नहीं, रोकने के बाद गाड़ी का चेक इन भी शुरू कर दिया। दरअसल बात 2019 की है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए उड़ीसा संदतपुर पहुंचे थे, उनके काफिले रैली वाली जगह के लिए निकल चुका था। IAS ऑफिसर मोहम्मद मोहसिन उस समय जनरल ऑब्जर्वर के ड्यूटी पे थे। दोस्तों चुनाव में बहुत सारे पैसे इधर उधर किए जाते हैं, वोटर को पैसे देके खरीदा भी जाता है। इन्हीं सभी चीजों के चेकिंग के लिए केवल PM मोदी की गाड़ी रोकी बल्कि उसकी तलाशी भी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को इस तरह रोकना मोहम्मद मोहसिन के लिए भारी पड़ गया। चुनाव आयोग ने उनकी गलती मानकर उन्हें अगले ऑर्डर तक सस्पेंड कर दिया। लेकिन दोस्तों हमेशा ऐसा नहीं है, जो कि मोहम्मद मोहसिन के साथ हुआ ऐसा सबके साथ नहीं हो सकता। दरअसल बात 2019 से है, नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर थे, रतनाल के एक रैली को संबोधित करना था। रास्ते में SP मनोज ने उनके काफिले को रोक कर ट्रैफिक में फंसे 3 एम्बुलेंस को जाने दिया, जिसमें से एक एम्बुलेंस में एक महिला की तबीयत काफी ज्यादा खराब था। इस घटना का खबर मीडिया को पता चला तो SP साहब आइकन बन गए और हर किसी ने तारीफ।